आज हम सोया कीमा मटर बनाएंगे। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये रेसिपी बहुत आसान और टेस्टी है और इसे हमारे प्रोटीन की ज़रूरत भी पूरी होती है। 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे, 1 टीस्पून जीरा, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची ली है और इसे ऊपर से थोड़ा खोल लिया है, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, खड़ा मसाला लाइटली भून लेंगे, 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप करके लिया है, 1 टीस्पून होने तक सौते कर लेंगे, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1.5 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, फ्यू सेकंड अदरक और लहसुन को सौते कर लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन को मीडियम फ्लेम पे ही सौते कर लिया है। मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 मिनट सौते करेंगे। 2 बड़ा टमाटर और 2 कश्मीरी लाल मिर्च को मिक्सी में क्रश करके पेस्ट बनाया है। टमाटर के साथ में मैंने सूखी कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। अगर आप ये नहीं डालना चाहे तो इसके बदले में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाले में से तेल सेपरेट हो गया है। 1 कप सोया ग्रेन्यूल को गर्म पानी में 1/2 घंटा भिगो के रखा था और फिर ठंडे पानी से 2 बार धो लिया है और पानी में से एकदम निचोड़ के लिया है। ये डालेंगे। सोया ग्रेन्यूल को भिगोने का टाइम नहीं है और अगर आप तुरंत ही इसे लेना चाहे तो पानी को पहले बॉईल करना है और उसमें सोया ग्रेन्यूल डाल के 3 से 4 मिनट इसे बॉईल कर लेना है। फिर उसे पानी में से निकाल के 2 बार पानी से धो के निचोड़ के लेना है। 1 कप बॉईल मटर लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ली है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, मैंने 2 टीस्पून लिया है। वन टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर, 1/2 कप पानी डालेंगे, 1 ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। सोया खीमा को टेस्ट करके देख लेना है और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सोया खीमा रेडी है, इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे।